कपूर नौगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात। सोनाम मैरिज गार्डन, आप उत्सव मनाए, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है एसी एवं नॉन एसी कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोनाम मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661904817, 7979-499-821। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर हुई बैठक। गणतंत्र दिवस फैंसी क्रिकेट मैच का होगा आयोजन। उत्कृष्ट कार्य के लिए सामाजिक संस्था व खिलाड़ी होंगे सम्मानित। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में बुधवार को एसडीओ मुकेश कुमार की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीसीएलआर परमानंद शाह मौजूद थे। बैठक में गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए अनुमंडल के विभिन्न संस्थानों में समय निर्धारण पर चर्चा हुई। मौके पर गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी के आवास पर सुबह 8 बजे, अनुमंडल कार्यालय में 8:40 बजे, एसडीपीओ कार्यालय में 9:40 बजे, अनुमंडल उपकारा में 9:50 बजे, बाजार समिति में 10:05 बजे, नवगछिया पुलिस लाइन में 10:30 बजे, नवगछिया आदर्श थाने में 10:40 बजे, नवगछिया महिला थाने में 10:45 बजे, नवगछिया एससी एसटी थाने में 10:50 बजे, अनुमंडल अस्पताल में 10:55 बजे, गोपाल गौशाला में 11 बजे एवं नवगछिया नगर पंचायत में 11:30 बजे ध्वजारोहण होगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में विभिन्न स्कूलों एवं संस्थाओं द्वारा झांकी भी प्रस्तुत की जाएगी। एसडीओ मुकेश कुमार ने कहा कि उत्कृष्ट झांकी प्रस्तुत करने पर पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा नवगछिया अनुमंडल में सामाजिक क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले सामाजिक संस्थानों को भी सम्मानित किया जाएगा। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले खिलाड़ी को भी अनुमंडल स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। वहीं दोपहर 2 बजे से नवगछिया उच्च विद्यालय के मैदान में नागरिक एकादश एवं प्रशासन एकादश के बीच फैंसी क्रिकेट मैच का आयोजन होगा। मौके पर इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय के प्राचार्य सुरेंद्र प्रसाद सिंह, सावित्री पब्लिक स्कूल के निर्देशक राम कुमार साहू, बाल भारती विद्यालय के प्रशासक डीपी सिंह, टोके घनश्याम प्रसाद, अशोक सिंह, निरंजन शाह सहित कई अन्य मौजूद थे। नवगछिया पुलिस जिला के रंगरा में स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद। रंगरा थाना क्षेत्र के रंगरा चौक के समीप बुधवार की अहली सुबह लगभग 5 बजे NH-31 सड़क मार्ग पर रंगरा पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद किया है। रंगरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब तस्करों द्वारा बंगाल से स्कॉर्पियो पर लादकर नवगछिया की ओर ले जा रहे शराब की खेप को रंगरा चौक के समीप नाकेबंदी कर पकड़ी है। स्कॉर्पियो में 16 कार्टून में कुल 193 बोतल अवैध विदेशी शराब बरामद की गई है। बरामद शराब बंगाल निर्मित 144 बोतल इंपीरियल ब्लू और 48 बोतल रॉयल स्टैग ब्रांड के बताए जाते हैं। शराब बरामदगी के बाद पुलिस ने बरामद किए गए शराब एवं BR-10Q-7826 नंबर की स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है, जबकि स्कॉर्पियो सवार चालक सहित 3 शराब तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। इस बाबत रंगरा थाना अध्यक्ष राज कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार की देर रात्रि गुप्त सूचना मिली थी कि बंगाल से स्कॉर्पियो के जरिए शराब तस्करों द्वारा भारी मात्रा में शराब की खेप ले जाई जा रही है। सूचना मिलते ही चापर ढाला स्थित पुलिस पिकेट एवं रंगरा चौक के समीप नाकेबंदी की गई थी। पुलिस जवानों ने जब स्कॉर्पियो को रुकने का इशारा किया तो तस्कर पुलिस को चकमा देकर आगे की ओर भाग निकले, मगर रंगरा के समीप दोनों ओर से नाकेबंदी के दौरान शराब तस्कर फंस गए और गाड़ी छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। शराब बरामदगी के बाद रंगरा पुलिस इसको अपनी बड़ी कामयाबी मान रही है। इसको लेकर अज्ञात शराब तस्करों के विरुद्ध रंगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। 192 बोतल कब पकड़ा है? सुबह में, मतलब रात्रि करीब 5 बजे सुबह में पकड़ा है। सुबह 5 बजे रात्रि में हम लोग गए हुए थे कौशकीपुर, दोनों गाड़ी लेके छापामारी में। कौशकीपुर से लौट रहे थे कुरसेला में, हमको पता चला कि मतलब सूचना मिली कि डूमर में एक गाड़ी खड़ी है जिसमें पीछे शराब हो सकता है। कौन सी गाड़ी थी सर? सफ़ेद स्कॉर्पियो थी। ठीक है,
तो ये पता चला उसका हमको सफ़ेद गाड़ी है, नंबर क्लियर नहीं हो पाया कि नंबर क्या है उसका। तो उसके बाद हम लोग सफ़ेद गाड़ी, उसके बाद हम लोग एक गाड़ी को आगे भेज दिए और दूसरी गाड़ी को अपने कुर्सेला सीमा पर लगा के देखने लगे, निगरानी करने लगे। चूँकि काफ़ी धुंध था, कुहासा था, इसलिए एग्जैक्ट उसका देख पाना या पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था गाड़ियों। लेकिन हम लोग वहाँ खड़े थे तो ये एक सफ़ेद जब से जिस ये गाड़ी जब वहाँ से आई तो हम लोग को देखते ही काफ़ी तेज़ी से भागी। तो हम लोग को शक हो गया कि यही गाड़ी है, सफ़ेद भी है और नंबर तो दिख नहीं रहा था इसका। तो पीछा करते हुए हम लोग आए तो यहाँ कुर्सेला वाले ये अपना रंगरा चौक पर लगे हुए गश्ती गाड़ी को हम लोग फ़ोन कर दिए कि आप वहाँ पर बैरियर लगाइए, पूरा घेराबंदी कीजिए। घेराबंदी के अंदर वो आया, वहाँ से देखा कि घेराबंदी, तो फिर पीछे लौट गया और उस रूट से निकल गया, उस घर से आइए क्रॉस कर गया। फिर हम लोग को क्रॉस किया वहाँ से, फिर हम लोग आगे बढ़ के उसको जैसे ओवरटेक करके सोचे पकड़ने के लिए, तो फिर पीछे से मुड़ के फिर इधर आ गया वो, तो चला गया भाग। चेक पोस्ट पर उसको रोकने का प्रयास किया गया लेकिन वो नहीं रोक पाया वहाँ पर, तो गाड़ी को काफ़ी आवाज़ आई थी और धुंध कुहासा था, इसलिए सब गाड़ी को पहचान पाना मुश्किल हो रहा था कि कौन सी गाड़ी है। फिर यहाँ पर जब देखा तो जब देखा कि चारों तरफ दोनों घिर जाएंगे, तो रंगरा चौक के पास वो गाड़ी छोड़ के उसका चालक चलती अवस्था में उसी तरह से बंद भी गाड़ी को नहीं किया, उसी तरह से चलते हुए खुल गया, भाग गया वहाँ से। हम लोग पहुँचे तब तक उसमें, लेकिन हम हमारे बगल से क्रॉस करने के समय हम लोग देखे थे कि उसमें पीछे बीच में दो आदमी बैठा था और आगे एक चालक चला रहा था, मतलब सभी फरार हो गए, हम तीनों फरार हो गए। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पर उस गाड़ी को जब्त किए, जब्त करने पर उसमें रॉयल स्टैग का पाया गया आपका चार पेटी, उसमें पीछे पूरा सजा के और तौलिया से ढका हुआ था, पूरा डिक्की उसका भरा हुआ था पीछे का स्कॉर्पियो का, उसमें चार पेटी रॉयल स्टैग का था जिसमें 1245 बोतल था, मतलब दिखने के बाद, और इंपीरियल ब्लू का 12 पेटी रखा हुआ था, मतलब 144 बोतल उसमें था। कुल शराब की मात्रा 144 लीटर हुआ और कुल बोतलों की संख्या 192 बोतल। नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति के साथ प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, ऐसा विद्यालय जहां शुरुआत से ही होती है आईएएस आईपीएस की तैयारी, नवगछिया का सबसे सर्वोत्तम व्यवस्था के साथ स्मार्ट क्लास, सीसीटीवी परिक्षेत्र, रेसिडेंटल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट, लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब, स्पोर्ट्स सहित कई आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ कक्षा नर्सरी से दसवीं तक प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, NH 31 नवगछिया भागलपुर, संपर्क सूत्र 88093-047-33। सर्वोत्तम शिक्षा ही है हमारी पहचान, आइए नवगछिया पकड़ा मोड़ के पास है प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल का स्थान। नवगछिया के श्रीधर कुमार को श्रीमती बेली झा सम्मान से किया गया सम्मानित। नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड के गोसाई गांव के भारद्वाज परिवार के साहित्यकार एवं संपादक विभूति भूषण झा द्वारा स्थापित श्रीमती बेली झा सम्मान वर्ष 2019 के लिए सोशल मीडिया हास्य पुरस्कार नवगछिया के व्यवसायी श्रीधर कुमार को मंगलवार की संध्या एक सादे समारोह में दिया गया। विभूति बी झा ने बताया कि शिक्षा, साहित्य, कला और हास्य के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने हेतु माताजी के नाम से क्षेत्र के लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सम्मान देने का निर्णय 2019 में ही लिया गया था। आज उसी के क्रम में सम्मान श्रीधर कुमार को सोशल मीडिया पर अनवरत हास्य बिखेर कर लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने हेतु दिया गया। इस सम्मान में एक प्रशस्ति पत्र, शॉल और एक भेंट देकर मुंह मीठा कराया गया। श्री झा ने आगे बताया कि उनके संपादन में गत वर्ष पुस्तक अवली आई थी, अब इन्नर आने को है जिसमें पूरे भारत के लगभग 80 लोगों की रचनाएं होगी। इस समारोह में क्लीन नवगछिया, ग्रीन नवगछिया के संतोष गुप्ता, राजीव गुप्ता, अशोक केडिया, सुमित भगत सहित कई अन्य उपस्थित थे। अपनी माताजी के नाम पर, जो मेरी माताजी यहाँ स्कूल में प्रधान अध्यापिका के पद से रिटायर हुई हैं, उनके नाम से एक कला के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार की स्थापना हम निजी रूप में कर रहे हैं। तो 2019 से इसकी स्थापना 2019 में हमने की है। उसी संदर्भ में सोशल मीडिया के लिए मैंने सोशल मीडिया पर ही निजी इनबॉक्स में, मेल में, फोन में, व्हाट्सएप में मैंने लगभग 30-35 लोगों से
एक प्रकार का सर्वे किया कि ऐसा मैं पुरस्कार अपनी माताजी के नाम पर देना चाहता हूँ, तो अपने क्षेत्र में सबसे बेस्ट इस प्रकार के जो हास्य पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, इस व्यक्ति का नाम बताएं। और उसमें लगभग 92% लोगों ने श्रीधर जी का नाम सुझाया। तो माता जी का जो आशीर्वाद है वो हम लोगों को मिला, और माँ बाप चाहते ही हैं कि मेरे बच्चे जो है वो हंसी खुशी रहे, और उसी क्षेत्र में कोई सम्मान मिलना ये उससे भी अच्छी बात है, और मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मैं अपने आप को इस लायक तो नहीं समझता, लेकिन आपने जो सम्मान दिया है उसको स्वीकार करते हैं माता जी का आशीर्वाद समझ करके। नवगछिया समाज सेवी राजकिशोर आर्य को संस्था करेगी सम्मानित। नवगछिया के रंगरा प्रखंड अंतर्गत सदवा निवासी राजकिशोर आर्य के लंबे समय से सामाजिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के साथ साथ मार्गदर्शन पर आगे बढ़ने वाली संस्था बाबा गणिनाथ सेवा समिति द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस बाबत बाबा गणिनाथ सेवा समिति के संरक्षक चंद्रगुप्त शाह एवं निरंजन शाह ने बताया कि लगातार प्रत्येक वर्ष नवगछिया से भव्य शोभा यात्रा जो बाबा गणिनाथ धाम खरी के लिए रवाना होती है में उनका योगदान अमूल्य रहता है, और संस्था किसी भी तरह की सलाह और जानकारी के लिए उनसे संपर्क करते हैं। बताते चलें कि एक लंबे समय से उनका व्यक्तित्व सामाजिक कार्यों में काफी बढ़ चढ़ कर है। कई सामाजिक संस्था के सदस्य उनसे प्रेरणा लेकर व उनसे राय विचार कर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वाहन प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक नौगछिया NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा NH 31 अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने मकनपुर चौक नौगछिया। मोबाइल नंबर 9065282725। आइडियल विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया। कक्षा नर्सरी से अष्टम तक बस की सुविधा के साथ नवगछिया का एक श्रेष्ठ स्कूल। प्राचार्य प्रमोद कुमार सिंह, हमारा मोबाइल नंबर है 9934261437। 9934264437। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क जरूर करें। आवासीय विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया। नवगछिया के राजकीय अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण छात्रावास में 50 छात्रों के बीच 17 प्रकार के सामान का किया गया वितरण। राजकीय अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण छात्रावास गजाधर भगत महाविद्यालय में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी पंकज कुमार की अध्यक्षता में 50 छात्रों के बीच 17 प्रकार के सामान का वितरण किया गया, जिसमें कम्बल तकिया तोशक थाली लोटा व ग्लास बाल्टी कुर्सी एवं खेल सामग्री के किट फुटबॉल टेबल टेनिस का वितरण किया गया। छात्रावास अधीक्षक प्रोफेसर राजकुमार प्रसाद, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी अफाक अंसारी, डॉक्टर राजन प्रसाद, प्रोफेसर डॉक्टर के पासवान, मोहम्मद आसिफ द्वारा संयुक्त रूप से छात्रावास में उपस्थित छात्रों को दिया गया। नवगछिया में वाम दलों का राष्ट्रव्यापी हड़ताल का छिटपुट रहा असर। हड़ताल को लेकर वाम दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने शहर में किया मार्च। नवगछिया शहर में वाम दलों के द्वारा घोषित राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आंशिक रूप से असर रहा। हालांकि राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए वाम दलों के नेता लगातार शहर में मार्च कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। नवगछिया में भाकपा माले के जिला सचिव बिंदेश्वरी मंडल एवं इंकलाबी नौजवान सभा के राज्य सह सचिव गौरीशंकर राय, भाकपा के जिला सहायक मंत्री सीताराम राय, माकपा के अजीत कुमार विद्रोही के संयुक्त नेतृत्व में CPI कार्यालय से हड़ताल को सफल बनाने को लेकर सरकार के विरोध में नारे लगाते हुए गौशाला रोड महाराजी चौक मेन रोड मक्खा तकिया चौक होते हुए SBI कार्यालय पहुंचे, जहां वाम दलों के नेता ने SBI बैंक के कार्य को आधा घंटा तक बंद कराया एवं जमकर नारेबाजी की। इसके बाद मार्च करते हुए स्टेशन चौक पहुंचे। स्टेशन चौक पर भाकपा माले के जिला सचिव बिंदेश्वरी मंडल सहित अन्य ने सभा को संबोधित किया। मौके पर NRC CAA NRP का विरोध जताया। JNU के छात्रों पर हुए हमले की निंदा की। कार्यक्रम में भाकपा माले के जिला कमेटी सदस्य भारत भूषण भारती, विष्णु कुमार, विनोद कुमार, राजेश कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे।